What's up everybody, this is Sivan, हरिओम। तो मैं back again with a new vlog। I hope you guys are all the way fine। तो basically guys, आज मुझे कोचिंग वगैरह भी जाना है और आज अपने पास काफ़ी सारा काम है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जो अपनी ओनियन की बोरी है उनको लेने के लिए, बिकॉज अपनी ओनियन की खुदाई रेगुलर चल रही है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, लास्ट व्लॉग में दिखाया था अपन खेत से ओनियन भर के लेके आए थे, तो अभी मैं जा रहा हूँ ओनियन की बोरी लेने के लिए। तो लेके आते हैं और उसके बाद अपन चलेंगे कोचिंग। और देखो घाम तो काफ़ी ज़्यादा है, बट सर बोल रहे बस आज 10 बजे आ जाओ, फिर बाकी से मॉर्निंग में ही आना 7 बजे 8 बजे। तो बेसिकली गाइस अभी मैं आया था अपने खेत पे ओनियन की बोरी देने के लिए और वो लोग घर पे ट्राली खाली कर रहे हैं। मेरे को ट्राली रात से भरी रखी थी, मैं तो पापा से बोल रहा था कि रात को ही खाली करवा लो, लेबर्स अपने पास थे ही, और बट पापा ने बोला ये लोग लेट हो जाएंगे तो इनको चले जाने दो, इसलिए हम लोगों ने रात को खाली नहीं करवाई थी। अदरवाइज़ उसको तो रात को ही खाली करवा लेना चाहिए था, क्योंकि जो प्याज है अगर उसके अंदर कोई टेंशन रहे या फिर मतलब ऐसे उसके ऊपर कोई फोर्स रहे या फिर उसके ऊपर बोरी के ऊपर बोरी रखी रहे तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज उसके अंदर ख़राब होता है एक काइंड ऑफ लिक्विड, अगर वो कंप्रेस होकर बाहर आ जाता है तो फिर लफड़ा हो जाता है। एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब अपन जा रहे हैं अपनी कोचिंग की तरफ और एज यू कैन सी मैंने अपने पूरे फेस को, आँखों को, हर चीज़ को कवर कर लिया है और अब बस चलते हैं। और साथ में ले जा रहा हूँ ये पंजा की ब्लेड है अपने लिए, इसको शार्प करवाना है। अपन उस दिन शायद परसों के दिन अपन उसके लिए कहाँ पर लेके गए थे सेज पर, बट वहाँ पर हुई नहीं थी बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अपन ड्यूरी लेके चल रहे हैं, जितने अपन कोचिंग पढ़ेंगे उतने में शार्प कर देंगे, फिर अपन उनको लेके आएंगे और शाम के टाइम अपन कल्टीवेशन काम स्टार्ट करवा पाएंगे। तो अभी तो चलते हैं कोचिंग पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं। वो पंजा वगैरह तो अपन डाल दी है पजने के लिए और अपन इनको या फिर अभी या फिर शाम को उठा के ले जाएंगे। और मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं जा रहा हूँ अपने मित्र सवांस को पिकअप करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। हाँ, क्षमा करवा बैठ जल्दी, कितने जाना है बता, चलो खा भी जाता है। और 1:10 बज गया है, बाद में खा लेंगे गाइस, खाने खाने आ रहे मोड़े भाई। काय सुधार दो दिन खुलना नहीं, जाम नहीं मिठी है। आज की रील कैसी लगी बताओ, देखी नहीं देखी? आज की रील देखी थी, मर जा रहे तुम्हारे। ₹20 का समोसा भैया, एक एक खाने भर गए, जबाई तो अपने बयान होते अरे आ जाओ आज यार हम ईमेल लेट हो गए, हम भी फोन पे चलो बैठ बोला आज हम ईमेल लेट हो गए, फोन पे गाड़ी चला चला लेट कर रहा है। अच्छा अच्छा क्यों होगा लेट, चलो कौन सा पढ़ रहा है यार, कोचिंग लेट आओ तो फिर सब लफड़ा हो जाए, कोचिंग वगैरह जाओ तो जल्दी जाओ। का अपने दोस्त रहे थे मौत भी का भी जल्दी पढ़ाओ शुरू कर दिए थे, उन्होंने यार ही बता थे फिर अपन लेट आओ तो थोड़ा सी। मुसलमानी कोचिंग करती कंप्लीट, पकड़ लिया गए तो अपन गाय लो सर जी चाबी क्या सर आपकी ही कार भींज नहीं रहा हूँ। वाओ नहीं ले लेगा सर कहाँ है क्या है तुम, कब से गाड़ी चलाओ, जब तुम इतने सह थे जब तुम भाई थे लड़ गवाई जमा थे आओ लड़ गवाई तुम्हारा हमारे बन हुआ थे तुम्हारी डोकर आ डोकर और कह दी कि मालिस कर भी सीमा यहाँ कह दी मकाय कहाँ था वो ले जी बीच बीच कर ठीक है कहाँ बच गए बच गए मत समझ। अरे मां बाबा का तो दीदी पता है का चाह रही हैं
आदमी है दो है आदमी मन लेने पहले एक कचौड़ी कर दो यार। इनसेन और आई फील लाइक कि जो ए वाली भी कनेर है उस वाली भी कनेर से बेटर है, तो अब अपन हर बार इसी पे आएंगे। अभी मैं वहाँ पे जाता था रेगुलर, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा दो तीन दिन, तो आज मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, तो अब अपन यहीं पे आएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं पंजा वगैरह, वो पंजे की जो क्या अपन ने पंजे की जो ब्लेड्स डाली थी पजने के लिए, तो अपन चलिए उनको देख के आते हैं। अगर वो ठंडी हो गई होंगे तो उठा के लेके आएंगे, नहीं हुई होंगी तो फिर अपन को कल वगैरह ले चलेंगे या फिर शाम को लेके चलेंगे, बिकॉज वो गर्म करके उसको ठोक से पीते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उसको ठंडे होने में टाइम लगता है, और गर्मी वैसे ही पड़ रही तो ठंडा होना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। और उनके ऊपर पर पानी वगैरह डाल नहीं सकते, बिकॉज जो लोहा रहता है वो अगर गर्म हो उसके ऊपर पानी डाल दो वो एकदम से ठंडा हो जाता है, तो उसकी जो स्ट्रांगनेस है बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं कैसी क्या कंडीशन है। तो पंजा तो अभी नहीं हुए रेडी, अपन इनको कल या फिर शाम को उठाने के लिए आएंगे, चलते हैं घरे। इट्स अ थर्ड डे ऑफ अवर ऑनियन हार्वेस्ट, और आज हम फिर से आए हैं ट्राली भरने के लिए। आज हम लोग थोड़े जल्दी ही आ गए हैं, बिकॉज आज पानी का माहौल हो रहा है। वैसे अभी लग तो नहीं रहा है, काफ़ी तेज घाम निकला है, बट पापा बोल रहे हैं कि आज शाम शाम तक पानी गिर सकता है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज उन्होंने किसी से बात की वहाँ पर, शायद दमोह में काफ़ी ज़्यादा तेज पानी गिर रहा है, और इधर सामने मतलब जो जब पानी गिरने वाला होता है, मे भी आप लोगों को कैमरे में समझ में आए ना आए, बट एक अजीब सा माहौल बन जाता है। साइड में डार्क होता है, बीच के में वाइट होता है, और ऊपर वाला डार्क होता है। ठीक है, और जो ऊपर जब डार्क रहता है तो वो रहता है कि ट्रांसपोर्टिंग पानी, यानी कि उसका कुछ भरोसा नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है। जो इस साइड से पानी आता है, जो इस साइड डार्क रहता है नीचे की तरफ, उसकी लेकिन गारंटी रहती ही है कि वो उसी साइड को आ रहा है। अगर हवा चेंज हो जाती है तो फिर पानी भी चेंज हो जाता है कि इधर गिरने वाला है, बट हवा उस साइड को चली गई तो वो वहाँ पर निकल जाता है। तो बस अभी अपन बोरी वगैरह चलते हैं, और इतने में आ जाएगा ट्रैक्टर, तो फिर अपन लोडिंग स्टार्ट करवा देंगे, जल्दी से जल्दी चलना स्टार्ट करते। मिली तुझे सुधरी? हाँ वो हो रे मार गए रे जो का हो रहा हो। तो भैया पिछ मतलब अभी देखो सेट कितना तेज घाम है, और इधर पे देखो नेक्स्ट लेवल पानी आ रहा है, बहुत तेज पानी आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से भाग दौड़ने की ट्राई कर रहे हैं, और मार गए रे बहुत ठंडी हवा चल रही है। कहाँ करे भागे जी, और अलग अब तक ट्रैक्टर लेकर नहीं जा पाए यार, ये सही भर देते अपन तो का ट्राली भर का भाग दे जल्द सूझे सूत्री तुर पिंडूला में हती यार सोर्स भी और मार गए भाई। जब बहुत तेज पानी है और नेक्स्ट लेवल आप कहाँ पर तुम उन्होंने दिखा नहीं रहा हो कि दिखा रहा हो, बादल देखो बादल देखो। ओहो हो दो मिनट के अंदर जो सूर्य ढक गया हो, दो मिनट से कमाई भाई जो बहुत खतरनाक हवा है। ट्राली के ऊपर तो है ही अपना भाई, कानून बनने में तैयारी है। तो ट्राली ऑलमोस्ट फिल हो चुकी जितनी हार्वेस्ट हुई थी, और पानी गिरने लगा है थोड़ा थोड़ा ऐसे गिरती। बस जल्दी से लेके चलते हैं घर पे, तेज पानी हो बहुत तेज हवा चल रही, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। ये देख लो मूंग की हालत, आप देखो पानी इस टाइम पे गिरने लगा है, जब मूंग की कटाई करेंगे उस टाइम पे तो ऐसी तैसी हो ही जाने वाली है, बिकॉज मूंग की कटाई करेंगे उस टाइम पे पानी गिरेगा तो थ्रेसिंग नहीं कर पाएंगे, तो जो अनाज है वो खेत में खड़ा खड़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही प्याज की टाइम पे हुआ है कि अब प्याज में अगर पानी लग जाता है तो प्याज काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, तो किसान के साथ सदा यही होता है कि जब उसको कुछ मिलने वाला होता है तो उस टाइम पे पानी गिर जाता, कहीं कुछ हो जाता, तो सब भी तो लफड़े ही हैं भैया, पंगे ही हैं किसानों के लिए।